तो लगता है बहुत ज़्यादा करना है, ये जर्नी जस्ट शुरू हुई है अभी अभी ही मैंने कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया है। अभी खेर साहब के साथ में काम करके आया था तो उनके साथ में ऐसा लगा कि उनकी 500 फिल्में होगी, 508 फिल्में होगी, तब भी वो बोलते कि मेरी अभी हाफ सेंचुरी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो जर्नी अभी बिल्कुल शुरू भी नहीं हुई है फिर। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई मिस हियर इन बॉम्बे, और लाइक आई वुड से मैं पहले जूहू चौपाटी घूमने कभी भी चले जाता था, वहाँ गोला खाने के लिए चले जाता था, पाव भाजी खाने चला जाता था। आज सही होता है तो वैसे नहीं जाता बिल्कुल, पर मंगवा लेता हूँ किसी से, किसी को बोल देता हूँ कि लेके आ जाए। एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज आई वुड जस्ट वॉक थ्रू, बट नाउ इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट समटाइम्स टू विजिट सच प्लेसेज। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जर्नी। पहले इन्जॉय किया, अभी काम कर रहे हैं और उस काम के लिए शायद उस इन्जॉयमेंट का सैक्रिफाइस करना भी बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू वर्क विद बिगर डायरेक्टर्स, गुड प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े डायरेक्टर्स, इसलिए क्योंकि वो मुझसे कुछ डिफरेंट करवाएंगे और वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दूँ। लाइक आई सेड, यारिया में दिव्या जी ने मुझे जो चांस दिया उससे मैंने एक्सप्लोर किया कि आई कैन प्ले दिस सॉर्ट ऑफ रोल, दिस काइंड ऑफ रोल्स। विद रांची डायरीज आई वुड से खेर साहब की वजह से मुझे पता लगा कि मैं रॉ रस्टिक रोल्स भी प्ले कर सकता हूँ। तो देर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर येट। आई एम जस्ट री इन्वेंटिंग एवरी टाइम वेन एवर आई मीट अ गुड डायरेक्टर। बिगर डायरेक्टर डजंट मीन दैट कि सिर्फ बड़े डायरेक्टर्स ही हों, वो डायरेक्टर्स जिनके पास में कुछ बड़ा हो, जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, अच्छा स्क्रीन प्ले होता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ कॉल, वन मोर कॉल फ्रॉम एनी ऑफ दीज डायरेक्टर्स। को खुद कॉल करे, कभी बोल दे, मैं आ जाऊँगा भाग के अपने आप ही। मैं तो वेट कर रहा होता हूँ कि अच्छी फिल्में आए जिसके अंदर मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ, जिससे मैं कुछ सीख सकूँ, अच्छे एक्टर्स, बड़े एक्टर्स के साथ में काम कर सकूँ, ताकि मैं उनकी जर्नी वापस उनके साथ रह के देख सकूँ कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया। क्योंकि सेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप आराम से इतने नान से कुछ बातें कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू द पर्सन एंड जस्ट आस्क देम अबाउट देयर जर्नी, हाउ दे फील दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यस, देयर इज अ लॉट पेंडिंग। अभी इतने सारे एक्टर्स हैं, अभी तो सिर्फ गुलशन ग्रोवर जी के साथ काम किया, प्रेम चोपड़ा जी के साथ किया, अरबाज खान जी के साथ किया, अनुपम सर, सतीश कौशिक, जिमी शेरगिल, बट बहुत बड़ी साइड है जिनके साथ में मैं अभी काम करना चाहता हूँ। आमिर सर, सलमान सर, SRK, अक्षय सर, ऑफ कोर्स रणबीर कपूर, ऑल ऑफ देम, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, देर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस नाउ। एंड वाई जस्ट ऑन फॉर द फिल्म एक्टर्स, आज डिजिटल सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, वहाँ पे भी इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं। दे आर वे यंगर टू मी, बट दे आर फैब, दे आर जस्ट किलिंग इट। I look at their videos on social media, YouTube, I think Facebook पे भी videos उनके देखता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। This journey as an actor is all about meeting people, new people, and grabbing as much as I can from them. I'm actually open to all sort of genres, जिसमें मैं fit करता हूँ वो मुझे लगता है अभी तक यही है कि मुझे लोग कभी भी approach करते हैं। So they always approach me for boy next door, chocolate boy characters, or rom-com genre is something they always look at. Now romance, I would say they prefer me for that. But agar jo directors action karate hain, jo drama, thriller, sub films karate hain, jitne bhi jinka wo forte hai, I would want to work with all of them so that I can explore again. कुछ ट्राई करूँगा तभी पता लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। लाइक आई वुड से दैट आई एन्जॉयड प्लेइंग मोनू इन रांची डायरीज, बट मोनू इज़ फ्रॉम झारखंड, रांची, इज़ अ स्मॉल टाउन बॉय। वो मैथिली लैंग्वेज, झारखंड की जो लैंग्वेज है उसमें बात करता है, बट कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं, जैसे आई वुड से मोनू की लाइफ के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स ऐसे थे जिससे मैं रिलेट करता था। वो सिनेमा हॉल में जाके अपनी बातें एक्सप्रेस करता था अपनी गर्लफ्रेंड को, तो मैंने भी ऐसा कई बार ही किया है। और उसको विद वाई नॉट जस्ट मोनू, आई वुड से यारियाँ में लक्ष्य हमसे है लाइफ में, माय कैरेक्टर राघव, स्वीटी के अंदर में माय कैरेक्टर, एंड तेजोना कैसे का एज वेल। सो ऑल दीज फिल्म्स, इनके कैरेक्टर से मैं कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई पिक दीज फिल्म। बट डायरेक्टर्स सारे यही बोलते हैं
पर मुझे लगता है इस पे भी बहुत काम करना है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ और उस बड़े के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और करता भी रहूँगा।